है बे तू? तो उससे ही पूछ रहा हूँ मैं, कौन है तू? ईश्वर के रूप में इस धरती पर एक जाति का निर्माण हुआ, वो है मनुष्य जाति। एक कहलाया पुरुष, एक नारी और एक किन्नर। इन लोगों की आशाएं आकांक्षाएं चाहे पूरी हो या ना हो, सबको एक दिन मरना है, ये तय है। ऐसी हालत में किसी और की कब्र पर किसी और की कब्र बनाई जाती है। ये सब कौन है? इनके पीछे की कहानियां क्या है? अरुण, उठ जा बेटा, आज तेरा बर्थडे है, उठ ना। माय बॉय अरुण, उठ जा। हैप्पी बर्थडे अरुण। थैंक यू डैड, थैंक यू। तेरे लिए आज एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है डैड? वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिलहाल जल्दी से रेडी हो जा। डैड बताइए ना। उठ जाना। प्लीज। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से रेडी हो जा। अरुण, अरुण रेडी है ना? रेडी हूँ डैड। सरप्राइज क्या है आप जल्दी से बताइए। बताता हूँ, चल। अरे डैड, डैड चल गाड़ी में बैठ।
लेना। डैड, क्यों, कैसी लगी? डैड, क्या शादी की बात है? हाँ बेटा। वैसे हर साल आप मुझे सरप्राइज देते हो, लेकिन इस साल मैं आपको सरप्राइज देना चाहता हूँ। डैड, क्या सरप्राइज है बताना। अरे आप चलिए ना डैड, चलिए ना, बताता हूँ मैं। अरे पर बेटा। चलिए डैड। आई विल बैक। डैड एक मिनट, एक मिनट, चलिए चलिए डैड चलिए। अरे बता तो सही क्या है। चलिए बताता हूँ, चलिए बताता हूँ डैड। पता नहीं क्या बताने वाला, तो समझ नहीं आ रहा। डैड, मेरा सरप्राइज देखकर आप शॉक हो जाओगे। आइए डैड, बैठिए। अब तो बता। रुकिए ना डैड, अभी बताता हूँ। ये कौन है? यही है वो जिसे मैं चाहता हूं। क्या मस्त सिलेक्शन है तेरी। हाँ, उसका घर कहाँ है? उसके पिता कौन है? मैं जाकर उन लोगों से बात करूंगा। फिलहाल ये कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता डैड। हाँ, पता नहीं तो इससे प्यार कैसे हो गया? तू तो सच में पागल है। डैड, आपकी लाइफ में आपकी वाइफ जो है ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए, ये सोचकर ही आपने मेरी माँ को सिलेक्ट किया, उनसे शादी की। बिल्कुल, पर तो कहना क्या चाहता है? उसी तरह डैड, मेरी लाइफ में मेरी वाइफ भी ऐसी ही होनी चाहिए सोचकर मैंने इसे सिलेक्ट किया। मुझे लगता है ये होगी। वो चाहे दुनिया में कहीं भी हो डैड, हमेशा यहां रहेगी। सच में तू पागल हो गया है। चल रहे हैं यहाँ, क्या हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ हो क्या रहा है? समझ में नहीं आ रहा यार। क्या हो रहा है? हे, क्या बात है, तुम सिर्फ तीनों ही क्यों आए हो? प्रभात कहाँ है? पर यहाँ हो क्या रहा है? आज मेरी एंगेजमेंट है दोस्तों। एंगेजमेंट? एंगेजमेंट है? ऐसे एंगेजमेंट अचानक बताना चाहिए था ना। क्यों, प्रभात ने तुम्हें नहीं बताया? वो तो कल रात से ही गायब है।
और तेरे कहने पर हम यहाँ पर आ गए, तो तुम कह रही हो तुम्हारा एंगेजमेंट है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ए, फोन लगा उसको। ओके। ये हमेशा ही मेरा फोन नहीं उठाता है। ए, कहाँ क्या बात करनी है, तू समझता क्यों नहीं? फू। राजा। ए, वो यही कहीं होगा, जाओ ढूंढो उसे। ठीक है, जाओ। चलो आओ, उसे ढूंढते हैं। चलो। वो आ जाएगा। चलो। चलो। ए, मुंह क्या देख रहे हो? चलो ना। प्रभात यहाँ पर आया है क्या? नहीं तो नहीं आया। क्यों, क्या बात है? उसे हर गली हर मोहल्ले में ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। वो कहाँ मिलेगा तुझे कुछ पता है क्या? अपने बूढ़ा उन्ना जी की बस्ती में हो सकता है, जाकर देखो। हाँ ठीक है भाई। क्या हुआ? प्रभात यहाँ आया क्या? नहीं नहीं आया है। कहाँ होगा वो? पता नहीं कहाँ चला गया, हमने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला। मिलेगा। मिलेगा? यहीं पर मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा वो बताना। अरे जल्दी से बताना, कहाँ मिलेगा वो? क्यों चाहते हो?
वहाँ मेरे माँ बाप है, कार एक्सीडेंट में वो मर गए, मैं भी उनके पास जाना चाहता हूँ। वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मेरे भी मम्मी पापा मर गए तो मैं मर गया क्या? हमारे भी मम्मी पापा नहीं है, आओ हमारे साथ ही रहना। क्या हो गया इसको? वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। अबे क्या हुआ, यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? वहाँ उसकी एंगेजमेंट हो गई और तू यहाँ कल से बैठकर मच्छर मार रहा है, तुझे क्या हुआ है? हाँ वो कह रही थी उसने तुझे बताया था और तू यहाँ पर खामोश बैठा हुआ है, आखिर बात क्या है? हाँ अब क्या हुआ बताना। जानना चाहते हो जब एक नन्हा बच्चा रोता है तो एक माँ उसे अपना दूध पिलाकर चुप कराती है, उसी तरह ये दिल जब रोता है ना। तो शराब का सहारा लेना ही जरूरी होता है। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी तू इतना मायूस नहीं होता रे, उल्टा तू दूसरों का बुरे वक्त पे सहारा बनता है। अगर ऐसा इंसान टूट गया है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। क्या हुआ है तुझे प्रभात? हाँ बताना, इतना परेशान क्यों है? बोलना यार, आखिर बात क्या है? In order to get the job, सर सर क्या हुआ? सर आप मिस्टेक कर रहे हैं, चश्मा लगा लीजिए। क्या हुआ बेटी? सर आप फिर से मिस्टेक कर रहे हैं, इसे बेटी मत बुलाइए। तो फिर क्या बुलाना चाहिए बताओ। सर यहाँ देखिए ना, ये लगी है। तेरा माइंड मैच्योर हुआ है या नहीं जो ऐसे बता रही है? सर माइंड को छोड़िए, बॉडी को देखिए, पूरी मैच्योर हो गई है। सर सर इसे जल्दी भेज दीजिए सर, अगर थोड़ी सी भी देर और रही तो हमारी बॉडी हिलने डुलने लगेगी सर। देखिए ना सर, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सर हम लड़के जेंट्स टॉयलेट में जाते हैं, लड़कियां लेडीज टॉयलेट में जाती, लेकिन ये किस टॉयलेट में जाएगी सर? तुम जाओ बेटी, जल्दी जाओ। हे भगवान क्या मुसीबत है। एक्सक्यूज मी सर, कम इन। सर कम दिस साइड, इधर आओ। समझ में नहीं आता? सॉरी सर। ओके सर। सर बोलो क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? सर जेंट्स और लेडीज को ही सिर्फ लगती है क्या? क्या क्या लगती है? वही सर, टॉयलेट सर। तो फिर टॉयलेट जाओ ना, यहाँ आने की क्या जरूरत है? सर हमारे लिए टॉयलेट है ही नहीं सर, हम कहाँ जाएंगे सर? मगर टॉयलेट तो बाहर है भाई।
सर लेफ्ट साइड में जेंट्स टॉयलेट है, राइट साइड में लेडीज टॉयलेट है, गौर से देखिए सेंटर में स्टाफ टॉयलेट है, हमारे लिए टॉयलेट कहाँ है सर? तो उसके लिए सीधा प्रिंसिपल के पास आ जाओगे? ओह नहीं नहीं सर, मैं तो बस कंप्लेन करने आई हूँ। मतलब तुम लोग को सेपरेट टॉयलेट चाहिए क्या? हाँ और क्या, क्लास में बेंच अलग अलग करके लड़के और लड़कियों को अलग अलग बिठाते हैं ना, तो हमारे लिए टॉयलेट अलग नहीं बनाएंगे क्या? इस महीने जरा एडजस्ट कर लो, अगले महीने पक्का बनवा दूंगा। ओहो इतने दिनों से एडजस्ट कर करके थक गई हूँ सर, अभी आप मुझे एडजस्ट करने के लिए कह रहे हैं सर? हाँ इतनी बड़ी बात करती हो, तुमने फीस जमा की है क्या? आप भी इस महीने मुझे एडजस्ट कर लीजिए, मैं भी एडजस्ट कर लूंगी, ठीक है ना? ये भगवान कौन समझाए ने? कोई नहीं है, यहीं पर कर लेती हूँ। किसी ने देखा तो नहीं ना? पता है दीप्ति को ठीक नहीं लग रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसने कहा मैं कल आऊंगी, क्या हम उसे देखने जाएं? बड़े आशिक बन रहे हो, मुंबई की लड़कियों को तूने आइसक्रीम समझ रखा है जो झट से पिघल जाए, हम आग है जलकर राख हो जाएगा। चाहे कोई ज्वालामुखी हो या आग का कोई सागर ही क्यों ना हो, डुबकी लगाए बिना मैं पीछे नहीं हटता। डुबकी लगाने काशी जाओ और अपनी गंदी सोच को गंगा में बहा कराओ, ये कॉलेज है यहाँ स्टूडेंट बनकर रहो। सुन लिया ना क्या कहा इसने, प्रभात आ गया ना तेरी ऐसी की तैसी कर देगा, इसलिए चुपचाप निकल जाए यहाँ से। बहुत जबान चलती है इनकी। मेरी फ्रेंड से इश्क लड़ा रहा है, फेस पर मत जा, पहले दिल में जगह बना। मुझसे प्यार कर बोलकर जबरदस्ती करेगा तो कोई लड़की तुझे दिल देगी क्या? सैंडल टूटने तक तेरी धुलाई करेगी। अबे ओए छपरी मुंह क्या दिख रहा है, तेरी आंखें निकाल कर हाथ में दे दूंगा। सॉरी प्रभात, ये तुम्हारी फ्रेंड है, मुझे पता नहीं था। ए राजा, बेकार में लड़कियों के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? प्रभात, इसकी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ। चाहे मेरी फ्रेंड हो या किसी के भी हो, अगर यही रिपीट किया ना पगली, वो काँव काँव कौवा नहीं को को कोयल बुलाते होंगे। अरे क्या देखना क्या आइटम, को को करके नहीं यार, वो कौवे की तरह काँव काँव करके ही पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा जाने दे, टेंशन मत ले करिश्मा, को को करके या काँव काँव करें पीछे तो पड़े हैं ना, इतना बहुत है। पता नहीं कैसे क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? समझ में नहीं आता क्या, हमें तुम्हारी जरूरत है। पर किस लिए? प्यार करने के लिए। प्यार के लिए? ची जाओ ना। ए जाओ मतलब, हम यहाँ जाने के लिए थोड़ी आए, तुम लोगों को उठा के ले जाने के लिए आए हैं। हाँ क्या करोगे? रेप करेंगे। हाँ रेप करोगे? टीवी पेशेंट की तरह लग रहा है, रेप करने की ताकत भी है क्या तुझमें? चल करके दिखाता हूँ। चलो ना देखते हैं। आ जाओ, आज इनकी खैर नहीं।
मैं फर्स्ट करूंगी प्लीज, मैं फर्स्ट करूंगी ना। ए, हम लोग मजा मारने वाले हैं, हमें उतावला होना चाहिए, तुम लोग इतनी उतावली क्यों हो रही हो? देखते हैं किस किस में कितना कितना दम है। यह ऐसे क्यों बैठा है? क्या हुआ? इतना उदास क्यों लग रहा है बे? ए, क्या हुआ बोलना। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो कैसी है? आप पेशेंट के साथ हैं? हाँ, उनकी कंडीशन कैसी है सर? बहुत ही क्रिटिकल है सर। उनके ऑपरेशन के लिए जितने भी पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा सर। पैसे से कुछ नहीं होगा, वो नहीं बच सकती। तो फिर और कोई भी रास्ता नहीं है सर? मेरे अनुभव के मुताबिक ये कैंसर का फाइनल स्टेज है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, ऑपरेशन करने से भी नहीं बचेंगे और कोई रास्ता भी नहीं है। बाकी जैसी भगवान की मर्जी होगी, हम जो कर सकते थे वो हमने कर लिया है। सॉरी। जी, डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन करने के बाद भी आप नहीं बचेंगी। क्यों? अपने बेटे के लिए भी नहीं जीना है आपको? हर माँ अपने बच्चे के लिए एक दिए के बराबर होती है, अगर वो दिया ही बुझ जाए तो वो बच्चा अंधेरे में कैसे जिएगा बताइए। एक बार अपने बेटे के बारे में सोचिए माँ जी, आपके बगैर वो जी नहीं पाएगा। अपने माँ बाप को खोए उस अनाथ बच्चों का हाल क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं माँ जी। क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा भी वही तकलीफ झेले? मैं ऐसा नहीं देख सकता। आप उसे कैसे छोड़ सकती हैं जबकि बचपन से आपने उसका इतने अच्छे से ख्याल रखा है माँ जी। क्या आप मरकर उसकी जिंदगी में अंधेरा लाना चाहती हैं या फिर और जिंदा रहकर उसकी जिंदगी उजागर करना चाहती हैं? सर आप ऑपरेशन कर दीजिए। ये ऑपरेशन के बाद भी नहीं बचेंगी, ये मैं पहले ही कह चुका हूं। सर उन्हें कुछ नहीं होगा, आप ऑपरेशन कीजिए। ठीक है, as you wish।
डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ डॉक्टर? अब कैसी है माँ? आपने इतने भरोसे से कैसे कहा ऑपरेशन करने के लिए? सच में आप ग्रेट हैं, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। सर आप हमारे लिए भगवान हैं सर। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, अपनी माँ का ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, थैंक यू सर, इट्स ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्र है भगवान का। प्रभात, क्या बात है? माँ की याद आ रही है। तुम्हारी माँ नहीं है इसीलिए तुम जानते हो कि माँ का प्यार क्या होता है। मेरी माँ तो मेरे साथ है, पर माँ का प्यार क्या होता है ये मैंने तुमसे जाना है प्रभात। तुम्हारी हर मुश्किल की घड़ी में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जिस प्यार से तुम अब तक महरूम रहे हो उस माँ का प्यार मैं तुम्हें दूंगी। चाहे जिंदगी में तुम पर कैसी भी मुसीबत आए, मैं उससे लड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी। खुद को कभी अकेला महसूस मत करने देना प्रभात, ये बात याद रखना। अर्जेंटली वरुण के पास जाना है, ठीक है? हे हे प्रभात, मुझे मेरी बुक दे दो। लो पकड़ो। दो ना। अरे दूंगा प्रभात, खुदी ले ले। दे दो। नहीं दूंगा। अरे अरे दे दो। दे दो। हे दो। अरे दे दो ना प्लीज प्रभात। ये क्या है, इसके साथ तुम भी बच्चे बन रहे हो क्या? अरे यार मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ये इस बुक को बहुत ही सीक्रेटली मेंटेन करती है, किसी को दिखाती ही नहीं है। ऐसा क्या सीक्रेट है, मुझे भी नहीं बताओगी? इसे भी नहीं बताऊंगी और तुम्हें भी नहीं बताऊंगी। इतना बड़ा सीक्रेट है क्या? ठीक है। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, दीपा तुम्हें शायद याद है जब हम छोटे थे तब एक उत्सव में गए थे। उत्सव में? हाँ, भैरवनाथ और दुर्गा माँ के उत्सव में। तो बात क्या है? हर साल वहाँ करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन इसमें जरूरी बात यह है कि अगर वहाँ मन से कोई मन्नत मांगते हैं तो 100% पूरी होती है। हे, मैं विश्वास नहीं करती। एक बार करके देखो। ठीक है, मैं मांगूंगी कि जैसा मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए बिल्कुल वैसा ही मिलेगा क्या? मांग कर देखो, तुम खुद विश्वास करोगी। ओके, डन।
अपना लाइफ पार्टनर बनाना भगवान, यही मेरी इच्छा है। वरुण को मेरा लाइफ पार्टनर बनाना माँ, और जिंदगी भर हमारा साथ बनाए रखो। ये जो भी चाहते हैं ना भगवान, वो उसे मिल जाए। करना हानिकारक होता है, ये तो तुमने सुना ही होगा। कल वैलेंटाइन्स डे है, कल कौन किसे प्रपोज करने वाला है कुछ नहीं पता, कल के दिन फुल सरप्राइज होगा। प्यार हमेशा सरप्राइज से ही भरा होता है। मेरी सेटिंग तो हो गई यार, तेरा क्या हुआ बता? मेरा आज नहीं, कल बताऊंगा। हे, सिर्फ अपनी ही बताओगे, मेरी नहीं सुनोगे क्या? हाँ बताओ। मुझे प्यार हो गया है। हे, कौन है वो बेवकूफ? बेवकूफ नहीं, तुम लोगों से बात ही करना बेकार है तो। चल सुनो, आज रात को ठीक 12 बजे फर्स्ट कॉल तुम्हें करूंगी, और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर करूंगी, और अगर तुमने कॉल उठाया नहीं ना, तो दोबारा मैं वो बात तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। बाय। अभी तक कॉल क्यों नहीं आया? हाँ बोलो। हेलो, क्या कर रहे हो? तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रहा था। आज मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ, पर कैसे बताओ? बोलो ना। मुझे प्यार हो गया है प्रभात, मैं वरुण से प्यार करने लगी हूँ। ये बात बताने की मैंने कई बार कोशिश की, पर तुमने हमेशा अवॉइड किया। कल मेरी एंगेजमेंट है, और तुम्हें ही मेरी एंगेजमेंट और मेरी शादी धूमधाम से करवानी होगी। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हे प्रभात,
आसमान, ये लोग, इन लोगों के बीच में मैं और मेरे सामने बैठा हुआ तू, बस तू तमाशा देखता रहे। प्यार के खातिर धरती बनाई, धरती पर हमें बनाया, पर ना ही प्यार दिया और ना ही चैन से जीने दिया। बार बार कोई ना कोई किक देता रहता है। मुझे जन्म देने वालों को मुझसे दूर किया, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे भी मुझसे दूर कर दिया। जिसे दिल दिया वो मेरी जिंदगी में फूल बरसाएगी सोचा था, लेकिन वो फूल नहीं, कांटे बरसा गए। बहुत दर्द हो रहा है, दिल पर जो पहले ही सी घाव था उसे नासूर बना दिया, मुझे जीते जी मार दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक तू है, आंखें होकर देखता नहीं, कानों के सुनता नहीं, मुंह होकर बोलता नहीं, पता है क्यों? क्योंकि तू एक पत्थर है, तेरा दिल उससे भी बड़ा पत्थर है। मैं तो कहता हूँ तू भगवान है ही नहीं, इसलिए लोग तेरी पत्थर की मूर्ति बनाकर तुझे बस नाम के लिए पूछते हैं। उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगा तो फिर मैं मार दूंगा। मेरे आंसू क्यों छुपा रहा है? तो ये बात है, गलत कर रहा है यार। हमारे साथ रहकर हमें कुछ नहीं बताया और अब टेंशन ले रहा है, उसके लिए मर जाएगा क्या? ओए, वो तेरा इंतजार कर रही है, हम तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं और तू एक ही उसकी याद में पीते हुए बैठा है, ऐसा करने से वो तुझे मिल जाएगी क्या? ए, वहां देख, इस झील में जिस तरह पानी की लहरें लगातार आ जा रही है ना, उसी तरह मनचाही लड़की ना मिलने पर लड़कों की लाइफ में ऐसी मुसीबतें आती रहती हैं। ज्यादा टेंशन मत ले, भूल जाओ उसे। अरे आंखों को पसंद आने वाली लड़की को भूल सकते हैं, लेकिन जिस लड़की को दिल ने पसंद किया उसे कैसे भूलें? उसकी एक ही स्माइल पर यह दिल पूरी तरह उसका हो गया और उसी का बनकर रह गया है। मेरी ऐसी हालत होने से पहले मैंने सोचा था कि वो मुझे आई लव यू कहकर अपना लेगी यार, लेकिन अपना ना तो दूर, मुझे तो अकेला मरने के लिए छोड़ गई। जब भी कोई लड़का प्यार में पड़ा तो अपनी जिंदगी उसने खुद लिखी, तब ऊपर वाला भी इस लफड़े में नहीं आता। अरे अरुण बेटा, क्या कर रहे हो? ऑफिस में आज बहुत काम था इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाया। सच में तू बार बार चैनल क्यों चेंज कर रहा है? ए अरुण, क्या हुआ, बात क्या है? डैड, बहुत फील हो रहा है। डैड, फील हो रहा है क्यों? पता नहीं डैड, अब बहुत फील हो रहा है। उस लड़की की याद आ रही क्या? अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू सच में पागल हो जाएगा। डैड, आप उस लड़की को ढूंढ निकालिए, मुझे वो लड़की चाहिए, वो मुझे चाहिए। डैड ठीक है, रुक मैं आता हूं। तेरे इस टेंशन को दूर करने का अब एक ही रास्ता है। पता नहीं वो लड़की कहाँ है,
इसे कैसे ढूंढूं? और जब तक वो मिल नहीं जाती इसका ऐसे ही चलता रहेगा। अरुण ये ले पी। ए चुपचाप पी, जब भी उस लड़की की याद आए दो तीन पैग मार लिया कर। हाँ ले ये ले। डैड और दीजिए। ए ए ए आराम से पी। ये जूस नहीं है जो इतना पी रहा है। हाँ बेटे को लव हो गया है डैड, डैड वो मुझे चाहिए डैड। वो कहाँ है क्या पता, कहाँ से लेकर आऊं उसे? हाँ डैड मुझे वो चाहिए डैड। आप कुछ भी करिए डैड, बस उसे लेकर आइए। पिछले एक हफ्ते से एक बच्ची लापता है। बच्ची को ढूंढने की लाख कोशिश के बाद माँ बाप ने अब पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। अब तक बच्ची का कोई पता ना चलने पर माँ बाप ने हमसे संपर्क किया और हमें उनकी बच्ची को ढूंढने में उनकी मदद करने की विनती की है। अगर किसी को भी डैड 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 ये मीडिया वाले मेरा काम कर सकते हैं। नहीं होगा बेटा, उन्हें बुलाइए डैड, उन्हें बुलाइए यहाँ। बेटा समझा कर, नहीं होगा। बुलाइए ना डैड। नहीं होगा, बोला ना। बुलाइए डैड। नहीं बुलाऊंगा। बुलाइए डैड। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ जी हाँ नमस्ते 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 नमस्ते, नमस्ते। ये मेरा बेटा है। बताइए सर, आपने हमें क्यों यहाँ बुलाया? हमें आपसे एक मदद चाहिए। कहिए ना सर। हमारे परिवार की एक लड़की खो गई है, हम चाहते हैं कि आप ये खबर टेलीकास्ट करें। प्लीज सर, आप इस खबर को 24/7 की तरह बहुत बड़ी खबर बनाइए सर। वो मेरी चाहत, हमारे परिवार की लड़की को ढूंढ कर लाइए सर। उस लड़की की कोई फोटो वगैरह है क्या? हाँ। ये तो बहुत मैच्योर लग रही है। सर वो मैच्योर ही है सर, लेकिन थोड़ी पागल है ना डैड। जो इसे ढूंढ कर लाएगा हम उसे 50 लाख रुपए देंगे। मेंशन कीजिएगा सर। ठीक है सर, हम न्यूज डालेंगे, आप फिकर मत कीजिए। ओके ओके सर, लव यू डैड। 50 लाख बोलने की क्या जरूरत थी बेटा? सनी, ए सनी, सनी, उठना। एक कमली, एक कमली, चल उठ जा। तो हम लोग चले यहाँ से? कहाँ पर? बताता हूँ, चल तो सही। और इसको? इसे यहीं रहने दे यार, हम वरुण और दीपा को लेकर आते हैं, उनके आने से ही इसकी अकल ठिकाने आएगी। अगर वो आ जाएंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उल्टा और बढ़ जाएगी। इस प्रॉब्लम को हम ही सॉल्व करेंगे। ए, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है मुझे पता है, चुपचाप चलो मेरे साथ, चलो। कभी जेल कभी बेल, ऐसी चल रही है जीवन की रेल। देना है तो ऐसे दे,
कि जिंदगी सेटल हो जाए, फिर जिंदगी भर तुम्हारी आराधना करेंगे हम। भाई कौन है ये ब्यूटी? ऐ, चल यहां से। हेलो। ए वरुण, आप कहाँ हैं अंकल? हाँ हाय, कैसा है? हाय। कैसा लगा सारा अरेंजमेंट? अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया है, बस अब थोड़ी देर में सब आते ही होंगे। शादी अटेंड करके जाना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके वरुण, थैंक्स। हाँ अंकल, कब आ रहे हैं आप? पूजा खत्म हो गई है, बस निकल ही रहे हैं यहाँ से। हाँ ठीक है अंकल। ए वरुण, वरुण। हाँ दीपा कहाँ है? दीपा क्यों, क्या हुआ? और प्रभात कहाँ है? अगर और देर की ना तो प्रभात को हम खो देंगे। आखिर बात क्या है यार? अगर तुम लोग नहीं चलोगे तो प्रभात नहीं बचेगा। अरे ठीक से बताओगे क्या हुआ है? देखो अगर तुम नहीं आओगे ना तो प्रभात मर जाएगा सच में। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। Hey, चाय बोल। ए रंगा, इसको लगता है कहीं देखा है। वहीं मंदिर वाली है भाई। ले, 50 लाख की लॉटरी है ये। चलो बैठो गाड़ी में। चलो क्या हुआ, ये मरना क्यों चाहता है? तू यहां पर क्यों आया है? क्या हुआ है तुझे? लोग इसको क्यों लेकर आए हो यहां पे? मुझे ये लेकर नहीं आए, मैं खुद आया हूं। जब जिंदगी दरवाजे पर दस्तक देना तो उसे झट से गले लगा लेना चाहिए। ऐसे ही बेकार में जिसकी जिंदगी में कुछ रखा नहीं हो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ बातें ना समझने में ही आपकी भलाई होती है। जबरदस्ती समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही पछताओगे। मतलब मुझे वो बात नहीं जाननी चाहिए क्या? आग में घी डालने से आग और भड़कती है। बेकार में गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। जिंदगी में शादी की घड़ी एक ही बार आती है और वो तुम्हारी लाइफ में आई है। बेस्ट ऑफ लक, जाओ। ए, कंफ्यूज मत कर। देख मेरी शादी में तुझे आना ही होगा। अबे जाना। क्यों यार, क्या हुआ है? अब तू चल मेरे साथ, चल यहां से। अबे जा बोला ना। नहीं गया तो जा।
ये सब तेरी वजह से हुआ है। इसकी इस हालत का कारण तू है। पता है इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रभात, ए, अब बता। मैं हूं ना, अब बता। अबे तेरी जात की प्रभात को मारता है हमारे। Hut!
या मर गया। सांस चल रही है। अरे क्यों इसे यहां पर लेकर आया? मतलब दीपा की नजर में मैं विलन हूं ना? मैं दीपा की नजर में विलन बन गया? मुझे विलन क्यों बनाया? देख बेकार में टेंशन मत ले। जब तुझे टेंशन होता है ना तो हमें भी टेंशन होता है। तू दीपा को चाहता है, हम तुझे चाहते हैं, और तुझे जिंदा रखने के लिए हमें इसकी कब्र खोदनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं? हाँ चल आजा। हाँ हाँ आ रहा हूँ।
ए जल्दी बाहर निकालो। ये ले पकड़। फोन लगा। ला दे मुझे। भाई वो फोन नहीं उठा रहा। ए दोबारा ट्राई कर। हेलो। ए एक मिनट रुक। लो भाई। ए अखबार में एक मिसिंग लड़की का एड दिया था ना, वो लड़की हमारे पास है। क्या एक बार फिर कहो तो। क्या रे सुनाई नहीं देता है क्या। प्लीज प्लीज एक बार फिर। अखबार में एक मिसिंग लड़की का एड दिया था ना। हाँ वो लड़की अब हमारे पास है। जराफत से माल लेकर आ जा और प्यार से लड़की को ले जा। रियली? ए कान खोल के सुन ले, अगर बीच रास्ते में पुलिस के साथ लाने का प्लान किया ना तो लड़की नहीं बचेगी। समझ गया ना? क्या कह रहे हो बॉस, आपने लड़की को ढूंढा है तो पैसे भी आप ही को मिलेंगे ना। मैं खुद आपके हाथ में दूंगा। कहाँ पर आना है बॉस? कहाँ आना है ये मैं बाद में बताऊंगा, पैसे लेकर आ जाना ठीक है। थैंक यू बॉस। ले पकड़। फिर से फोन बज रहा है। हाँ ए उठा उठा ना उठा 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 जल्दी उठा ना। वरुण तुम कहाँ? यहाँ पर आते समय रास्ते में कुछ गुंडे आए और दीपा को उठाकर ले गए। किसी ने दीपा को किडनैप कर लिया है।
हेलो। जब हम लोग मंदिर से निकले तो रास्ते में कुछ गुंडे आए और वो दीपा को उठा कर ले गए। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। अभी आप कहां हैं? सूर्यकांत हॉस्पिटल में हूं। जल्दी से आ जाओ प्रभात। ठीक है, मैं आ रहा हूं। भाई गाड़ी आ गई। पैसे कहाँ है? बस एक मिनट बॉस। बॉस वो लड़की कहाँ है? आ दिखाता हूं। बॉस बस एक बार चेहरा दिखा दो ना बॉस। पूरे 50 लाख रुपए है ना? हाँ पूरे है ना बॉस। ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है बे? इसका दिमाग तो खराब नहीं है? ये दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? कौन है ये? मेरा है? तेरी लवर है क्या? बॉस मेरा प्यार जो है ऐसे स्टार्ट हुआ था और ऐसे एंड हो गया बॉस। समझ गए ना? क्या प्यार है तेरा? ऊपर वाला सबको प्यार करने का एक मौका जरूर देता है, पर तेरी लाइफ में जबरदस्त मौका दिया है। सॉलिड प्यार है तेरा, सॉलिड। थैंक यू बॉस। तेरी लव स्टोरी सुनकर ये पैसे लेने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, पापी पेट का सवाल है। ऑल द बेस्ट भाई। चलो रे आ जाओ। Yeah.
आसमान में रहने वाले चांद को कितना पटाने की कोशिश की, पर उसने तुम्हारा पता कभी नहीं बताया। दिन रात चलने वाली इस हवा को उस सूरज से भी बड़ा दर्जा दिया, पर उस हवा ने भी तुम्हारा पता नहीं बताया। मैं तुम्हें सांसों से महसूस करता रहा कि तुम कहीं ना कहीं जरूर हो। मेरा दिल हमेशा मुझसे कहता रहा, और आज देखो, आज तुम सामने हो। मेरे दिल से पूछ कर देखो, वो सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है, सिर्फ तुम्हें चाहता है। तुम्हें देखकर खुशी महसूस हो रही है, सुकून मिल रहा है। तुम्हें ढूंढने के लिए सोशल मीडिया और पेपर में ऐड भी दिया मैंने, वो शायद गलत होगा तुम्हारी नजर से, पर मेरी नजर से अब जरा मेरा हाथ खोलोगे? ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अरे कुछ ज्यादा भूल गया लगता है। बहुत मजाक सोच रहा है। मजाक? प्यार करता हूँ कहाँ, फिर शादी की बात की, यहाँ तक तो ठीक था, फिर दूसरे मंदिर भेजा, गुंडों से मुझे किडनैप करवाया, उन्हें पैसे दिए, और अब बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हो। तुम साबित क्या करना चाहते हो? घर चलो तुम्हें दिखाती हूँ। डैड को तो बताना ही भूल गया। हाय डैड। अरुण कहाँ हो तुम? आपको कुछ बताना है। बोलो। मुझे वो लड़की मिल गई डैड। अरुण। इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए और टेंशन मत लीजिए। ओके डॉक्टर। अंकल प्रभात। हौसला रखिए अंकल, आंटी अब कैसी हैं? डॉक्टर ने कहा है कि अब ठीक है, लेकिन होश आने के बाद वो कैसा व्यवहार करेंगे कुछ पता नहीं। टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं हूं ना। वैसे अंकल वरुण कहाँ है? मैंने उसे भी फोन किया है, वो भी आता ही होगा, तुम भी एक बार फोन लगाकर देखो ना। फोन लगाओ ना प्रभात। हाँ लगाता हूँ। फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। अंकल वो चाहे कहीं भी हो मैं उसे लेके आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है प्रभात।
हेलो हेलो अरुण, आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन है? मैं डॉक्टर हरीश बोल रहा हूँ सर। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे बेटे को? ये आपका बेटा है क्या? हाँ। इसका एक्सीडेंट हो गया है और ये हमारे हॉस्पिटल में है। क्या, किस हॉस्पिटल में है? सूर्यकांत हॉस्पिटल। क्या हुआ, बहुत फील हो रहा है क्या? दीपा मिल जाएगी यार, तू टेंशन मत ले। लाइफ में हम सोचते कुछ और हैं, लेकिन यार होता कुछ और है। अगर हमारी सोच के मुताबिक सब होता ना तो आज हम ऐसे नहीं होते। वो जरूर मिल जाएगी, तो फिक्र मत कर। तेरी दीपा हमेशा तेरी ही रहेगी। तू बिल्कुल टेंशन मत ले। वो मुझे मिलेगी ना? मुझे लगता है भगवान ने उसे सिर्फ तेरे लिए ही बनाया है, और देख लेना वो तुझे जरूर मिलेगी। अब चल। हे, ज्यादा सोच मत, हम है ना। चलना यार। चल प्रभात, चल। चलना, आजा। पता नहीं वो मुझे मिलेगी या नहीं। आजा। सोच मत ज्यादा। प्रभात आता ही होगा, दीपा को कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। चले गए सब लोग। एक सिगरेट देना भाई। क्या हुआ भाई, बड़े परेशान लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं। हेलो, कौन? लड़की के मिसिंग होने का इश्तेहार आपने ही दिया था। सॉरी, वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो हॉस्पिटल में एडमिट। किस हॉस्पिटल में? सूर्यकांत हॉस्पिटल। अच्छा, ओके। अरे सर, ये ठीक तो है ना? नथिंग टू वरी, शी इज आउट ऑफ डेंजर। टैबलेट लिखकर दे रहा हूं, वो लेकर आइएगा। इतना लेकर आइए।
यहाँ अब तक जिंदा है? हमारे बारे में इसने दीपा को बता तो नहीं दिया? ये तो बेहोश है। तू अभी तक जिंदा है? Thank you.
बात, वो क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? दोस्त हो दुश्मन की तरह क्यों लड़ रहे हो? रुको मेरी बात सुनो, चलो प्रभात, क्या क्या है ये सब? हाँ क्यों लड़ रहे हो ऐसे? दोस्त हो ना एक दूसरे के? नहीं छोड़ूंगा उसे। क्या है ये सब? ऐसे थोड़े चलता है, क्यों लड़ोगे? हाँ नहीं चलो जाओ जाओ यहाँ से। हे हे क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? क्या पागल बना ये? क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे से? मेरी बात मानो, सुनो सुनो मेरी बात। वरुण
प्रभात, दीपा, प्रभात, बेटी, वरुण बेटा आगे खोलो, वरुण ये क्या हो गया? अरुण, अरुण क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मेरे बच्चे? अरुण, अरुण क्या हुआ इसे? मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अरुण, 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 अरुण क्या हुआ तुझे? उठ बेटा, अरुण, अरुण, अरुण क्या हो गया बेटा? अरुण, अरुण, अरुण। मैं तुम्हें अपनी सांसों में महसूस करता रहा। डैड, डैड मुझे आपको कुछ बताना है। अरुण, और बेटा मुझसे बात कर, क्या हुआ है तुझे? मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। मैं वरुण से प्यार करने लगी हूँ। क्यों, प्रभात ने नहीं बताया? प्रभात कहाँ है? वो कल रात से ही हमें नजर नहीं आया है। उठा मेरे बच्चे, क्या हुआ है तुझे? अरुण, 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 कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरुण उठ बेटा, मुझसे बात कर। अरुण उठ बेटा, देख मैं आ गया हूँ बेटा। अरुण, अरुण तेरा डैड आया, देखना। अरुण, अरुण नहीं होती। प्यार करने वाले मरते दम तक प्यार करते रहते हैं और प्यार पर मर मिटने वाले मरने के बाद भी दिलों में जिंदा रहते हैं।